देखिए सीआरपीसी में आपका ये कल भूमिका चल रही थी आपका पिछले लेक्चर में, ये आपका कि कोई ऑफेंस होता है, कोई अपराध होता है तो कैसे दंड विधि सीआरपीसी को गतिमान किया जा सकता है, उसके लिए हमने दो तरीके बताए थे। पहला तरीका ये है कि उस अपराध की इन्फॉर्मेशन या आप सूचना दे सकते हैं और थाने के भारसाधक अधिकारी को दे सकते हैं, तब अध्याय आपका सीआरपीसी का अप्लाई होगा 12, और सेक्शन जो लगेगा यानी कि सेक्शन जो काम करेंगे 154 से लेकर 176 यानी कि 154 से लेकर 176। दूसरा तरीका ये है कि आप कंप्लेंट या इस्तगासा या परिवाद कर सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो परिवाद की परिभाषा बताई गई थी सेक्शन 2D में दी गई है, और अगर परिवाद करते हैं तो मजिस्ट्रेट उस पर क्या कार्यवाही करेगा, इसका प्रावधान सीआरपीसी की धारा 200 से लेकर 203 तक यानी कि धारा 200 से लेकर 203 तक में दिया गया है, और चैप्टर नंबर है 15। यानी कि अगर आप मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट करते हैं उस अपराध की, तो अप्लाई कौन सा चैप्टर होगा 15, और पुलिस को सूचना देते हैं तो कौन सा चैप्टर अप्लाई होगा 12। कम से कम ये दिमाग में बैठा है। तो पहला हम सूचना दिलवा रहे हैं आपका थाने पर यानी कि थाने के बाहर साधक अधिकारी को। अब थाने के बाहर साधक अधिकारी को आप अपराध की सूचना देते हैं, तो ऐसी दशा में जो हमारी सीआरपीसी है वह अपराधों को सिर गंभीरता के आधार पर दो भागों में बांटती है। एक ऑफेंस आपका सीरियस है, गंभीर है, जिसे कांग्निजेबल या संज्ञेय अपराध हमारी सीआरपीसी बताती है, और एक अपराध साधारण है जिसे नॉन कांग्निजेबल या असंज्ञेय अपराध बताती है। अब संज्ञेय अपराध में सूचना के लिए प्रावधान अलग है, असंज्ञेय अपराध में सूचना के लिए प्रावधान अलग है। अगर कांग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो ऐसी दशा में जो सूचना दी जाएगी आपका पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी या थाना प्रभारी को, वह सीआरपीसी के सेक्शन 154 में दी जाएगी, और अगर नॉन कांग्निजेबल ऑफेंस है तो वह सूचना आपका 155 में दी जाएगी, 155। संज्ञेय अपराध में जो सूचना दी जाएगी वह भारत के किसी माने वह किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है, जबकि असंज्ञेय में सूचना केवल विक्टिम या आहत या पीड़ित द्वारा ही दी जा सकेगी। दोनों में अंतर है, अंतर आगे बताया जाएगा। पहले 154 शुरू किया जाए। अब आइए जब भी आप 154 पढ़िए जहाँ की FIR आपका प्रावधान किया गया है, तो इसको पढ़ने से पहले आपको और भी कुछ बातें याद करनी पड़ेंगी, और पहले कोरिलेट कर लिया जाए कि आप FIR जब पढ़ेंगे यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन जब पढ़ेंगे तो कौन कौन सा सेक्शन आप कोरिलेट करेंगे। तो देखिए आपका कौन कौन सा सेक्शन कोरिलेट करना है। पहला आपका दो दो सेक्शन, पहले सामान्य बातें, थोड़ा समय लगता है FIR में आपका, भाई लगने को तो एक हफ्ता भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उतना नहीं लंबा खींचेंगे, कम से कम दो लेक्चर या तीन लेक्चर तो चलेगा ही, भाई एक हफ्ता तो नहीं खींच सकते, क्योंकि बहुत आपका पढ़ाते हुए एक हफ्ता भी पढ़ाइए तो कम है, लेकिन आपका कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएगा। उसके बाद थोड़ा छोटी छोटी धाराएं आएंगी। जब भी आप 154 पढ़िए, इसी के साथ 156 का क्लाज 3 पढ़ना है। यानी कि पहला जो कोरिलेशन करना है आपका 154 जब भी पढ़िए
आप तुरंत याद रखिए कि सीआरपीसी की एक और धारा इसी के साथ पढ़नी है और वह है 156 का क्लाज 3। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। 154 में ये है कि आप थाने के भार साधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध की इन्फॉर्मेशन दिए हैं तो थाने का भार साधक अधिकारी उस इन्फॉर्मेशन को एफआईआर के रूप में लाज कर लिया है, दर्ज कर लिया है। दूसरा ये है कि न्यायालय के आदेश से भी एफआईआर लाज होती है और वह जो न्यायालय आदेश देता है, मजिस्ट्रेट आदेश देता है कि इस मामले में एफआईआर थाना प्रभारी दर्ज करें तो न्यायालय के आपका आदेश से भी एफआईआर दर्ज होती है तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट किस सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है तो 156 का कौन सा क्लाज मारेंगे, 3। अब यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है और आपका आगे बता जाएगा 156 आपका अगले हफ्ते ही आ पाएगा, इस हफ्ते तो मुश्किल है क्योंकि 154 55 में ही समय लगता है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि जब आप एप्लीकेशन दीजिए मजिस्ट्रेट के यहाँ तो एक एफिडेविट लगाइए, एक शपथ पत्र लगाइए कि जो मैं बातें कह रहा हूँ ये सही हैं। अगर बाद में पता लगता है कि आपने फर्जी बातें कही हैं तो आपने शपथ पत्र का वायलेशन किया और आपके खिलाफ भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कार्रवाई। ये इसलिए नियम बनाया गया कि फर्जी एफआईआर को रोका जाए। ये तो भाई दो सेक्शन आपका। अब आईपीसी में आइए, जब आप 154 पढ़िए तो आईपीसी के भी कुछ धाराएं पढ़नी पड़ेंगी और आईपीसी की धारा 180 पहला सेक्शन 180 और अगर फाल्स आपने एफआईआर लाज करा दी है तो ऐसी दशा में एक सेक्शन और याद रखिएगा, फाल्स एफआईआर के लिए व्यक्ति दंड का भागी होता है 211 आईपीसी। आईपीसी की कौन सी धारा, 211। इसके बाद आपका आईपीसी की एक और धारा पढ़ना है 166A, यानी कि आईपीसी की धारा 166 है। अगर थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो ऐसी दशा में वह सजा का हकदार होगा और किस धारा के तहत आईपीसी में 166A। और ललिता कुमारी का केस, मैं केस भी बीच में बताया जाएगा, ललिता कुमारी का केस पढ़ना है और तमाम चीज़ें पढ़नी है, ये आईपीसी में कम से कम इतना पढ़ना है। इसके बाद आपका जो पढ़ना है एविडेंस एक्ट में पढ़ना है। एविडेंस एक्ट में आपका एफआईआर का एविडेंशियल वैल्यू पूछा जाता है कि जो ये एफआईआर हुआ है उसका साक्षिक मूल्य एविडेंशियल वैल्यू क्या होता है। तो एविडेंस में कम से कम 7-8 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, वो बताया जाएगा आगे। इसके बाद आपका दो तीन बातें और पूछी जाती हैं कि एफआईआर का निरस्तीकरण, यानी कि एफआईआर क्या कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। केवल भारत में दो ही न्यायालय सक्षम है, याद रखिए, एक हाई कोर्ट और दूसरा कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो एफआईआर कब कैंसिल कराया जा सकता है, किन आधारों पर कराया जा सकता है, कौन न्यायालय कर सकते हैं, ये देखना है आगे, मैंने पढ़ना ही है। इसके बाद आपका एफआईआर का एविडेंशियल वैल्यू में तो जाएगा, एविडेंस में बताया जाएगा। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि अगर एफआईआर कराने में डिले हो गया, यानी कि विलंब हो गया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो अगर एफआईआर कराने में विलंब हो गया तो उसका प्रभाव भी हम डिटेल में बताएंगे और के सहित बताएंगे। अगर विलंब का उचित कारण दर्शा दिया जाए तो विलंब क्षम्य है, एक्सक्यूज है। अब क्या क्या उचित कारण हो सकते हैं
ये हम बताएंगे डिटेल में। इसके बाद आपका महिला के एफआईआर, महिला द्वारा एफआईआर कम से कम कितनी प्रतियों में, 3 प्रतियों में होगा, और इसके लिए आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन काम करेगा कि कितने प्रतियों में, किस रजिस्टर पर लिखा जाता है, किसकी साइन होती है, तमाम छोटी छोटी बातें पढ़नी है। लेकिन एकदम शुरुआती दौर से हम चलते हैं। आपका शुरुआती दौर से जो आपको चलना है वह आपका चलना है एफआईआर की परिभाषा, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्राथमिकी, या आपका कह सकते हैं कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन, या उर्दू में कहा जाता है रपट इब्तेदाई, ये क्या होता है। तो एफआईआर शब्द को आपका अगर देखा जाए तो सीआरपीसी में स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया गया है। यानी कि अगर हम देखें तो सीआरपीसी में आपका एफआईआर शब्द को स्पष्टतः डिफाइन नहीं किया गया है। तो प्रताप सिंह केरो का केस आया, पहला केस हम बता रहे हैं, 7-8 केस भी रट्टा मारना है। प्रताप सिंह केरो के केस में उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि एफआईआर क्या है। तो उच्चतम न्यायालय ने ये बताया कि भाई किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना सेक्शन 154 के तहत थाने के भारसाधक अधिकारी को देना ही एफआईआर है। यानी कि आपका प्रताप सिंह केरो नाम राज्य, प्रताप सिंह केरो वर्सेज स्टेट में परिभाषित किया गया। अब यह है कि एफआईआर कौन करा सकता है, दूसरा पॉइंट। तो एक लाइन याद रखिएगा, चूंकि संज्ञेय अपराध में सूचना दी जाती है, और कल पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये हुआ कि आपका गंभीर अपराध, और गंभीर अपराध का मतलब कि केवल विक्टिम ही प्रभावित नहीं होता, केवल पीड़ित ही प्रभावित नहीं होता, पीड़ित के साथ साथ पूरी सोसाइटी प्रभावित होती है। अतः समाज का कोई भी व्यक्ति आपका संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दे सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब समस्या ये आई कि समाज का कोई भी व्यक्ति दे सकता है, तो आपका पहला पॉइंट उठाना है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन। तो सूचना प्रतिवेदन तक तो सही है कि आप सूचना दिए किसको, SHO को, लेकिन ये प्रथम शब्द क्यों लिखा गया है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आप ये बताएंगे कि चूंकि संज्ञेय अपराध की सूचना समाज का कोई भी व्यक्ति दे सकता है, अतः ऐसी दशा में यह संभव है कि अपराध एक हो और सूचना दाता अनेक हो। मैंने एक ही अपराध की सूचना 1000 व्यक्तियों ने दे दिया, तो प्रथम शब्द ये बताता है कि जो सूचना समय के दृष्टि से फर्स्ट होगी, जो सूचना समय के दृष्टि से प्रथम होगी, वही एफआईआर मानी जाएगी, दूसरी एफआईआर निरस्त होगी। तो आपका आगे हम बताएंगे। अब आइए एफआईआर का बेयर एक्ट से हम शुरू करते हैं भाई। आपका सीआरपीसी का जो बेयर एक्ट है वहाँ से आपको शुरू किया जाए, और वहीं से कोरिलेट भी हम करते रहेंगे, तब अन्य बातें हम बताएंगे। सामान्य बातें वैसे हो गई, आ जाइए आपका कह सकते हैं कि 154। एक पॉइंट और याद रखना है कि धारा 154 में आपका संशोधन भी हुआ है। पूछ सकता है भाई, संशोधन भी प्री के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि सेक्शन 154 में एमेंडमेंट हुआ है,
आजकल ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा जा रहा है। थोड़ा अच्छे से सतर्क रहना है कि आपका कह सकते हैं कि ये धारा आपका 154 में अब तक कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो 2 बार, एक 2013 में और एक 2018 में, 2 बार मारिएगा। अभी आपका बिहार एपीओ में भी पूछा गया कि एविडेंस की किस धारा में 2018 में संशोधन हुआ, तो आपका एविडेंस की धारा 146 के प्रयोजनों में हुआ था और कई लोग गलत करके आए थे। तो यही छोटी छोटी बातें पकड़नी है। 154 में आपका 2 बार अमेंडमेंट हुआ है, एक 2013 और दूसरा 2018 में। अब अगला क्वेश्चन जो बनता है आपका यूपी और बिहार तमाम जगह, कि 2013 का संशोधन कब से इनफोर्स हुआ, तो 3 फरवरी 2013, रट्टा मार कर जाना है। और 2018 का संशोधन कब से लागू हुआ, पिछली बार पूछा गया था आपका यूपीजे में, तो याद रखिएगा 21/4/2018, यानी कि 21 अप्रैल 2018, 21 अप्रैल 2018 को 2018 वाला संशोधन लागू किया गया। अब आइए बैरेटी भाषा, अब आवश्यकता तो भी हम निकालते रहेंगे। देखिए भाई, 154 संघीय मामलों में इतिला, इतिला मतलब इंफॉर्मेशन या सूचना कहिए, यानी कि कानूनीजेबुल मामलों में इतिला। अब एक एक शब्दों को देखिए, पहला खंड वाइज पढ़िएगा, खंड वाइज पूछा जाता है और टेक्निकल क्वेश्चन, कहाँ झारखंड बनाया, कहाँ यूपी बनाया, सतर्क रहना है। देखिए आपका, संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक इतिला, तो पहले तो ये जानिए कि आपका, पहले तो ये जानिए कि इतिला दी गई हो, पहला पॉइंट, ये इतिला समय की दृष्टि से क्या हो, प्रथम हो, और ये इतिला किससे रिलेटेड हो, संज्ञेय अपराध से कि असंज्ञेय अपराध से। संज्ञेय, तीन शब्द निकले, अभी एक भी लाइन नहीं हुई। यहीं घर पर भी ऐसे ही पढ़िए, शब्दशः पढ़िए, तभी जाकर सही रहेगा भाई। अभी एक लाइन भी नहीं हुई कि आपका कितने पॉइंट निकल गए, 3। देखिए आपका भाई, पहला पॉइंट, अब देखिए आपका, इतिला दी गई हो, यह इतिला समय की दृष्टि से प्रथम हो, यह इतिला किस मामले में दी गई हो, किस अपराध में। संगे, यह इतिला किसको दी जाएगी, तो थाने के भार साधक अधिकारी। यह इतिला कैसे दी जाएगी, मौखिक दी जाएगी कि लिखित की, दोनों दी जाएगी, दोनों मौखिक हैं तो यह इतिला लिखी जाएगी, तो लिखी जाएगी तो लिखवा जाएगा किस रजिस्टर पर, इसके बाद इस पर हस्ताक्षर या अंगूठा चिन्ह लगाया जाएगा। तो अंगूठा चिन्ह कैसे नहीं लगाता व्यक्ति, तब क्या होगा, और FIR थानेदार साहब नहीं दर्ज करते तब क्या होगा। तमाम बातें छोटी छोटी आपका पढ़नी है, तो पहले बेरेक्ट पूरा हो जाए तब। देखिए एक बार बेरेक्ट भाई, संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इतला, यदि पुलिस के थाने के भार साधक अधिकारी को मौखिक दी गई है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी। ये भी झारखंड जे में एपीओ में पूछा कि थानेदार द्वारा स्वयं FIR लिखी जाती है, ये इनके निर्देश के अधीन कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी लिख सकता है, तो क्या बेरेक लिखता है कि क्या थानेदार स्वयं FIR लिखने के लिए बाध्य है, नहीं, ये किसी अन्य से क्या कर सकता है, लिखवा सकता। तो ज्यादातर स्वयं कहाँ लिखते हैं भाई, आपका मुंशी रखे गए हैं और मुंशी क्या करते हैं, FIR दर्ज करते हैं। अब आइए अगला सब देखिए,
हाँ, और इतला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी, और प्रत्येक ऐसी इतला पर, चाहे वह लिखित हो या लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति का हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे, यानी कि सूचनादाता का क्या होगा हस्ताक्षर? यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, अभी हम बताएंगे। आपका हस्ताक्षर आपका किया जाएगा और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसी रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित किए करे, प्रविष्ट किया जाएगा, यानी कि FIR का जो सार होगा, मुख्य मुख्य बातें होंगी, वह उत्तर माने वह राज्य सरकार द्वारा विहित एक डायरी में दर्ज होगी। तो उत्तर प्रदेश में जो डायरी है उसको GD कहते हैं। तो FIR का सार किस में दर्ज होता है? GD। अब FIR किस में दर्ज हुआ? तो चिक रजिस्टर। उत्तर प्रदेश में FIR किस रजिस्टर पर दर्ज होता है? चिक। तभी हम बताएंगे आपका। एक एक शब्द सा चलिए। अब आपका परंतु का भी हम नहीं उठाए हैं, पहला खंड का भी कुछ हिस्सा चल रहा है। एक एक शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला है कि भाई इतिला दी जानी चाहिए। इतिला मतलब इन्फॉर्मेशन या सूचना। तो पहला नियम ये आया कि आपका इतिला कौन व्यक्ति दे सकता है? तो इतिला थाने के भार साधक अधिकारी को समाज का कोई भी व्यक्ति दे सकता है, क्योंकि चूंकि कांग्निजेबल ऑफेंस है और कौन इससे इफेक्टेड हुआ है? पूरी सोसाइटी। तो क्या पुलिस स्वयं इतिला दाता बन सकती है कि नहीं? स्वयं इंफॉर्मेशन देने वाली बन सकती है कि नहीं? अर्थात क्या पुलिस स्वयं FIR दर्ज कर सकती है कि नहीं? कर सकती है। तमाम हंगामा होता, कोई जाता नहीं है दर्ज कराने, पुलिस स्वयं क्या करती है? FIR दर्ज कर लेती है। ये अगर आपने सूचना, ये सूचना समय की दृष्टि से फर्स्ट होनी चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञेय अपराधों में यह संभव है कि एक अपराध एक हो, सूचनादाता अनेक हो, तो एक ही अपराध में कितनी FIR लिखी जाएगी। इसके लिए कानून ये कहता है कि जो भी सूचना दी जाए वह समय की दृष्टि से क्या हो? प्रथम हो, यानी कि जो पहला व्यक्ति अपराध की सूचना दिया है वही FIR के रूप में दर्ज होगा। तुरंत एक केस याद रखना है, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह एवं अन्य। सुब्रमण्यम स्वामी का केस है जिसमें कि दूसरी तीसरी FIR पर विचार किया गया। तो सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह एवं अन्य। जब मनमोहन सिंह PM थे तो तमाम घोटाले हुए और मोदी जी ने घोटाले का जिक्र किया था कई रैलियों में, और 40 से अधिक घोटालों का नाम लिया कई रैलियों में, और कांग्रेस की चूल्हे हिला दी। और आज भी देख रहे हैं हमारा जो पप्पू है, भाई शब्द वापस लिया जाता है, ऑनलाइन भी क्लास चल रहा है, ऑफलाइन चलता तो खुलियाम आदमी बोलता, बोलने पर थोड़ा ऑनलाइन में क्या हो गया है प्रतिबंध। यानी कि राहुल गांधी जी आपका देख रहे हैं कांग्रेस की नैया डुबो ही दिए हैं, तमाम आपका पार्टी के नेता भागे चले जा रहे हैं, तो आपका जो नाव चलती रहती है उसी पर तो लोग सवार होते हैं। भाजपा डूबने लगे तो भाजपा से भागना शुरू करेंगे, तो भाजपा पर चढ़ जा रहे हैं। और अगर पापी हैं तो पाप सब क्या होगा? भाजपा में आने से धूल जाएगा। यानी कि जितने भ्रष्टाचारी हैं अगर भाजपा में आ गए तो न तो CBI कुछ करेगी, न ED करेगी, कोई विभाग कुछ नहीं करेगा। अब विरोधी हैं तो बुलडोजर भी चल जाएगा, इनकाउंटर भी हो जाएगा, जो आज की राजनीति है। भाजपा के कितने नेताओं का घर गिरा बता दीजिए, कितने भाजपा के कार्यकर्ता इनकाउंटर में मारे गए, गिनती के एक भी नहीं मिलेंगे। तो वो अलग बात है भाई, राजनीति में हमें नहीं जाना है, वो बताया जा रहा है। यानी कि हम ये बता रहे थे कि
कि सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह बनाम अन्य के वाद में ये स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि जो एफआईआर होती है उस समय की दृष्टि क्या होनी चाहिए। प्रथम, अगर उसी मामले में और एफआईआर दर्ज कर दी गई तो बाद वाली एफआईआर का कोई मतलब नहीं है। तो कौन एफआईआर मान्य होती है? फर्स्ट, अब सूचना कौन दे सकता है, इस बात पर आइए, सूचना किसको दिया जाएगा। तो सूचना आपका स्पष्ट लिखा गया है, किसको देंगे? थाने के भारसाधक अधिकारी या थानेदार या थाना प्रभारी। तो पढ़ते समय दिमाग में तुरंत याद रखना है कि थाने के भारसाधक अधिकारी की परिभाषा आपका सीआरपीसी की धारा 2O में दी गई है। किसमें दी गई है? यानी कि जो व्यक्ति सेक्शन 2O के तहत SHO की परिभाषा में आ जाता है उसी को सूचना देना है। इंटरव्यू का एक क्वेश्चन देखिए, थाने पर एक होमगार्ड केवल था, अन्य पुलिस वाले बाहर गए थे। एक व्यक्ति जाकर होमगार्ड को अप्रसंगीय अपराध की सूचना दिया, होमगार्ड ने वह सूचना लिख ली, क्या वह एफआईआर माना जाएगा? नहीं। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि सूचना किसको देनी चाहिए? थाने के भारसाधक अधिकारी को। अब अगला क्वेश्चन, किस थाने के भारसाधक अधिकारी को सूचना दी जाएगी? तो भारत के किसी भी थाने के भारसाधक अधिकारी को, यानी कि भारत के किसी भी थानेदार को आप कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना दे सकते हैं। यही आपका जीरो या नील एफआईआर या शून्य एफआईआर पढ़ना है। अगर अपराध प्रयागराज के जाट टाउन थाने में हुआ और आपने दूसरे थानेदार को सूचना दी, दूसरा थानेदार एफआईआर दर्ज कर लिया लेकिन एक बात छोड़ देता है, क्राइम नंबर या अपराध संख्या, और वह जो थाना है जहां अपराध घटित हुआ है उस थाने को एफआईआर ट्रांसफर कर देता है। एक उदाहरण देखिए, तमाम उदाहरण है, बाबा का ही उदाहरण दिया जाए, भाई नाराज ना हो क्योंकि अंधभक्त भी रहते हैं और अंधभक्त क्या होते हैं, जल्दी नाराज होते हैं। आसाराम बापू ने आपका राजस्थान में अपराध किया और एफआईआर उनके खिलाफ दिल्ली में पीड़िता ने दर्ज कराया, तो ये एफआईआर जीरो एफआईआर या नील एफआईआर या शून्य एफआईआर। दिल्ली के जिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई वह क्राइम नंबर या अपराध संख्या नहीं लिखा था। जिस इलाके का मामला था एफआईआर को उस थाने में क्या कर दिया गया? ट्रांसफर। ये नियम है जीरो एफआईआर का। वह थाना एफआईआर दर्ज नहीं करना, एफआईआर तो दर्ज है, उस पर अपना क्राइम नंबर क्या करेगा? लिख देगा। जैसे कि राजस्थान ट्रांसफर हो गया, अब वो थानेदार अपना, ये मामला आपका सुशांत सिंह मर्डर केस में, मैंने सुशांत सिंह के केस में ज़्यादा उठा था, तो वो आगे बढ़ा जाएगा, कभी यहाँ छोड़ी आगे बढ़ा जाए। अब अगर यानी कि सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को ही दी जाएगी और ये सूचना किस अपराध से संबंधित होनी चाहिए, संज्ञे की असंज्ञे की दोनों? संज्ञे। तो एफआईआर किस अपराध में पूछा गया प्री में? संज्ञे की असंज्ञे की दोनों। संज्ञे यानी कि कॉग्निजेबल। तो संज्ञे अपराध को पढ़ते समय आप कौन सी धारा कवर करेंगे? सीआरपीसी की 2C। संज्ञे अपराध की परिभाषा 2C में दी गई है। संज्ञे अपराध का मतलब ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अब थोड़ा सीमा लग गई है आपका 7 वर्ष का, वो अलग बात है, लेकिन सामान्य नियम तो यही है कि वारंट के बिना पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? गिरफ्तार। किस मामले में? संज्ञेय मामला। संज्ञेय मामला मतलब गंभीर मामला। गंभीर मामला मतलब कि आपका पूरा समाज प्रभावित हुआ, तो आपका सूचना आपका संज्ञेय अपराध में किस धारा में? 154।
अब यही आपका दो तीन नियम देखना है। पहला नियम ये देखना है कि अगर किसी व्यक्ति ने थाने के भार साधक अधिकारी को सूचना दी, इन्फॉर्मेशन दिया, उसमें कुछ अपराध संज्ञेय थे और कुछ अपराध असंज्ञेय थे, यानी कि कुछ कांगनिजेबुल थे और कुछ नान कांगनिजेबुल थे, तब क्या होगा? तो जैसे एक बिहारी सबसे भारी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार अगर किसी मैटर में एक भी कांगनिजेबुल ऑफेंस निकल गया तो पूरे मैटर को क्या माना जाएगा? कांगनिजेबुल मैटर। और उस मामले में क्या दर्ज होगी? FIR। यहाँ पुलिस वाले भी खाते हैं भाई, प्रसिद्ध ही हैं। और इसका प्रावधान CRPC जोड़ते रहे धारा, आसान नहीं है। कौन सी धारा में? 155 के किस क्लाज में? 4। अगर किसी मामले में एक से अधिक, अभी हम मामला बताएंगे एक उदाहरण, अगर किसी मामले में एक से अधिक अपराध हुए हैं और उनमें से कम एक अपराध कैसा हो संज्ञेय, तो पूरे मामले को क्या माना जाएगा? संज्ञेय। अब आपका बिहार इंटरव्यू में पूछा कि ऑफेंस और मैटर में क्या डिफरेंस है। तो ऑफेंस और मैटर यानी कि अपराध और मामला एक नहीं है, अपराध और मामला अलग अलग हैं। पूरी घटना को मैटर कहते हैं, और किसी घटना में या तो एक अपराध हो सकता है या एक से अधिक। तो एक मामला बनाइए, घटना बनाइए, ए बी के घर में प्रवेश किया, तो घर में प्रवेश किया तो गृह अतिचार किया, हाउस ट्रेसपास किया। फिर ए क्या काम किया कि बी के घर में जाकर घड़ी चुरा ली, तो दूसरा अपराध कौन किया? चोरी का। तीसरा क्या किया कि आपका सामान कोई शीशे का था, उसको तोड़ दिया, तो जब तोड़ दिया तो मिसशीफ या रिष्टि या नुकसान पहुंचाया, तो कौन सा अपराध किया? रिष्टि। यानी कि देखिए, संव्यवहार या ट्रांजैक्शन या मामला या घटना एक है, लेकिन इस घटना में कितने अपराध हुए? 3। पहला अपराध क्या हुआ? घर में घुसा तो गृह अतिचार, फिर चुरा लिया घड़ी तो चोरी, और तीसरा फोड़ ओड़ दिया कुछ सामान तो रिश्ती। अब ये देखा जाएगा कि ये अलग अलग अपराध कहलाएंगे और पूरे को मिलाकर हम क्या कहेंगे? मर्डर। तो यानी कि अलग अलग अपराध और पूरे को मिलाकर हम क्या कहेंगे? मामला। तो जब FIR दर्ज होती है तो एक एक अपराधों की अलग अलग होती है कि मामले की होती है, बताइए? तो मामले की होती है, और आवलिक आवलिक करके जितने अपराध रहते हैं, आवलिक आवलिक करके क्या लगा दी जाती है? धारा। यानी कि आवलिक आवलिक ये भी ये भी ये भी, मैंने कई संव्यवहार, 4 अपराध हुआ तो क्या किया जाएगा? FIR मामले की होती है कि अपराध की? मामले की। तो अगर इन 3 अपराधों में से एक भी अपराध कैसा निकल जाए? कांगनिजेबुल, तो पूरा मैटर क्या माना जाएगा? कांगनिजेबुल। और ये 154 के तहत क्या होगी? FIR। अब सूचना दिलवाई है, सूचना कैसे दी जा सकती है? ओरल दी जा सकती है कि रिटेन में दी जा सकती है कि दोनों, यानी कि मौखिक भी और लिखित भी, याद रखें। अगर मौखिक दी जाती है तो थाने का भार साधक अधिकारी स्वयं लिखेगा या अपने अधीनस्थ से लिखवाएगा, और लिखित दी जाती है तो उसी को उतार दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन FIR जब भी दर्ज किया जाता है, हूबहू शब्दशः दर्ज किया जाता है, यानी कि जिस टूटी फूटी भाषा में सूचनादाता ने अपनी बातें बताई हैं, सेम उसी भाषा में क्या करना है? FIR लिखना है। चाहे सूचना मौखिक हो या लिखित हो, उसे दर्ज किया जाएगा।
और उसी भाषा में, तो एफआईआर में सार लिखा जाता है कि शब्द सा अक्षर सा एक शब्द अपने मन से इधर उधर नहीं करना है। अब एफआईआर जब दर्ज की जाएगी तो यूपी में चिक रजिस्टर पर दर्ज की जाती है, यानी कि यूपी सरकार ने एक रजिस्टर बनाया है चिक रजिस्टर, उस पर दर्ज की जाती है। अगला क्वेश्चन, एफआईआर कम से कम 3 प्रति में दर्ज होगी और 3 प्रति में अब जो बलवान होंगे बेयर एक्ट के महारथी होंगे वह पूछेंगे 154 में कहाँ लिखा है कि एफआईआर 3 प्रति में, तो आपका जवाब रहेगा कहीं नहीं लिखा है। तो ये कहाँ से गवर्न होगा, तो आपका उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिनियम भी लागू है, रेगुलेशन भी लागू है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 में ये स्पष्ट बताया गया है एफआईआर कितनी प्रतियों में, 3। अब कल बताया जाएगा भाई तीनों कहाँ जाएगी, किस पैरा में है, आसान नहीं है एफआईआर, थोड़ा कठिन है, तमाम सेक्शनों से ये क्या है कोरलेट। तो आपका 7:30 तक भविष्य में क्लास चलेगा, मैंने कल से हम प्रयास करेंगे, आज 10 मिनट बढ़ाया गया है ताकि भाई एग्जाम कब हो जाए कोई भरोसा नहीं, तो थोड़ा स्पीड अप बढ़ा दी गई है आज से।